We can stop this function by giving a bouquet. All right. Thank you so much, Master Ji. Yeah. Thank you so very much. Sir, yeah. Thank you so much. Let's all look at it. मेरा सबसे फेवरेट लड़का है, मैं इसको बहुत पसंद करता हूँ। वही लाइफ है इसके अंदर, ये जब रैप गाता तो भी बहुत अलग तरीके से होता है। लास्ट हेब्रो का गाना इसने गाया है और ये अपने आप में बहुत बड़ा स्टार है, क्योंकि इसके गाने में अमित जी थे, ऋतिक था, अजय देवगन था, अक्षय कुमार था, रणवीर सिंह था, प्रभु देवा था, गणेश आचार्य था, आपकी मेहरबानी सर, सब थे। और आज इसने अगर आर्य एंटरटेनमेंट कंपनी स्टार्ट की है यहाँ पे, जो लोगों को ढूंढ रही है, टैलेंट ढूंढ रही है, जैसे मैंने भी एक म्यूजिशियन देखा या अभी सिंगर या द कंपोजर एंड DOP, तो इस तरह से कई लोग हैं जो बहुत कुछ बनना चाहते हैं और अपने आप को कुछ साबित करना चाहते हैं। और आर्या ने अगर ये कदम उठाया तो मैं ज़रूर इसके साथ हूँ, क्योंकि मुझे भी किसी ने इस तरह साथ दिया था, मेरे गुरु कमल मास्टर जी जो गुजर चुके हैं। तो ऑल द बेस्ट आर्या, आप ये टैलेंट ढूंढो, और बहुत अच्छी बात है कि जो ढूंढता है उसको कुछ ना कुछ मिलता है, तो ढूंढने वाले बहुत ज़रूरी चाहिए इस दुनिया में। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। वन एंड ओनली मास्टर जी गणेश आचार्य। नाउ आई वुड लाइक टू कॉल माय फैमिली, माय वाइफ, माय फादर, माय मदर, प्लीज कम ऑन स्टेज। वी गोना हैव अ स्मॉल अनवीलिंग सेशन ऑफ आवर फर्स्ट पोस्टर ऑफ अल्बेलिया। माय फादर, माय फादर इन लॉ, माय मदर इन लॉ, एवरीबॉडी हियर। आशीर्वाद सबसे बड़ा होता है, उसके आगे हम कुछ नहीं। अरे आप
I'll bail you a poster for you. Yeah, all right, now let's watch the first video of Arya Entertainment. Roy, Jessica. क्या है ये रुक यार चलो चलो ओके स्टार्ट बोले अरे बोले अरे रोल है लोग तो यार सोते रात में आते रोल है साइलेंट ओके गणेश जी सबसे पहले आपका रिएक्शन जानना चाहेंगे हमने देखा बहुत ही ध्यान से आप वीडियो और सॉन्ग लाइव परफॉर्मेंस सब कुछ देख रहे थे तो आपको ये जो अल्बेलिया जो सॉन्ग है सिंगल एल्बम में ये आपको कैसा लगा सबसे पहले बात तो बहुत बहुत मुबारकबाद दूंगा आर्या को कि इस तरह सा टैलेंट जो ढूंढ के लेके आए बहुत अच्छी कंपोजिंग बहुत अच्छी फोटोग्राफी बस सिंह कृष्णा का तो बात ही करनी ही नहीं चाहिए तो इज द ऑलमोस्ट पोजीशन एंड दैट टू डांसर गर्ल एंड बॉय दैट बहुत क्या नाम है उनका रोहित एंड जैसिका हाँ रोहित एंड जैसिका बहुत ही कमाल मैं ये सबको कहना चाहूँगा कि आर्या ने जो आर्या एंटरटेनमेंट स्टार्ट किया है टैलेंट ढूंढने का एक बेड़ा जो उठाया है उसको आप सपोर्ट कीजिए और देखिए ज़रूर कि कितना कमाल का क्या हुआ है गणेश जी इसके अलावा काफ़ी फिट दिखाई दे रहे हैं आज आप क्या कहना चाहेंगे काफ़ी लूज किया है वेट आपने कोई रीज़न इसके पीछे मतलब बिग सीक्रेट नहीं मैंने आर्या को रिक्वेस्ट की कि नेक्स्ट वीडियो में मुझे प्लीज कास्ट कर इसलिए उसने मुझे बोला कि थोड़ा मैसेज आप बहुत हेब्रो से हट किया हमने इसलिए किया सर आगे चल के आप भी इसी तरीके कोई सिंगल बनाएंगे कुछ ऐसा कुछ है काफ़ी सिंगल का भी जमाना चल रहा है नीचे ले यार तुम लोग क्या कर रहे नहीं मेरी अच्छी खासी रोजी रोटी चल रही कोरियोग्राफी की वो मैं कंटिन्यू करूँगा और प्रोडक्शन कर रहा बस सर आपको लगता है कि सिंगल का जमाना एक बार फिर से लौट चुका है जो पहले एक एल्बम में जो चलता था बहुत सारे जमाना पीछे चले गए वह सब लौटने चाहिए सिंगल का जमाना है सिंगल प्रोड्यूसर्स खड़े होने चाहिए बहुत इम्पोर्टेंट बात है सर आपसे भी जानना चाहिए क्योंकि हम सभी ने आपका हे ब्रो का गाना देखा गणेश जी ने बात की आप बहुत ही बड़े बड़े लेजेंड सभी ने दिखाई दिए और अब ये अल्बेलिया बहुत सभी को पसंद आ रहा है थैंक यू सो मच ये बाहर जाएगा लोगों को बहुत ही पसंद आया इस तरह से आप गाने पसंद किए जाते हैं तो क्या फील करते हैं एज एन आर्टिस्ट सी फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे लिए ये गाना प्रेजेंट करना ही बहुत बड़ी बात था कि ये गाना यंगस्टर्स और अननोन फेसेस को लेके उसके साथ ने बॉलीवुड्स फाइनेस्ट कृष्णा नूपुर इन सब के साथ मिलके गाना बनाना ही मेरे लिए बहुत बड़ा एडवांटेज था कि पहले कृष्णा हाँ बोले वो ही बहुत बड़ी बात होती है सच अ ग्रेटेस्ट टैलेंट ऑफ इंडिया ही कमिंग एंड सिंगिंग आवर सॉन्ग दैट बिकेम अ प्लस पॉइंट फॉर अस एंड देन अल्टीमेटली वी गॉट नूपुर इनसाइड ये गाने में नूपुर को हमने लिया है हु इज ऑलरेडी अ वेरी गुड एक्ट्रेस इन बॉलीवुड अभी साउथ की फिल्में भी कर रही हो सो शी डिड अ फैंटास्टिक जॉब तो ये सब जो कॉम्बिनेशन मुझे बना है ये गाने के लिए इट वर्कड आउट फॉर माई होल सॉन्ग एंड द होल आइडिया कि इस तरह का गाना मैं बना सकूँ जिसमें यंग टैलेंट्स अननोन टैलेंट्स और द बेस्ट ऑफ बॉलीवुड को एक साथ फ्यूज कर सकूँ दिस वॉज माई होल आइडिया फॉर अल्बेलिया एंड आई एम फीलिंग फैंटास्टिक और जब मास्टर जी ने बोल दिया है कि बहुत अच्छा है गाना तो वो आशीर्वाद मिलना उससे बड़ा और कोई बड़ा चीज़ होता नहीं मेरे लिए फॉर अ म्यूजिशियन दैट्स इट थैंक यू सर अगर टाइटल की बात करिए तो सर क्या मतलब है सर अल्बेलिया का इसके बारे में थोड़ा बताइए सी अल्बेलिया के बारे में जो राइटर है जो लिरिक्स जिसने लिखा हुआ है वो जो लिरिक्स जिसने लिखा हुआ है हमारे वो है हमारे कंपोजर वीरल हिमसेल्फ सो ही कैन टेल यू व्हाट इज अल्बेलिया द लिरिक्स एंड एवरीथिंग आपसे जानना चाहेंगे कि क्या मतलब होता है इसका क्या इस वर्ड का मतलब बताइएगा इट मींस यूनिक समथिंग अनयूजुअल थिंग योर्स या सेंटर लुक्स या अल्बेलिया मींस यूनिक समथिंग अनयूजुअल थिंग सो It itself means uniqueness.
कृष्णा आप क्या कहना चाहेंगे, क्या खास बातें करनी पड़ी, क्या प्रिपरेशन करना पड़ा इस सॉन्ग के लिए, काफी लंबे समय के बाद आप आने वाले? सबसे पहले तो मैं थैंक्स कहूंगा आर्या को, उन्होंने मुझे पार्ट ऑफ द सॉन्ग यू नो मुझे हिस्सा समझा कि मैं इसके लिए गाऊं, और मेरे पास एलिजिबिलिटी भी है क्योंकि इंडिया का मेरे पास वीज़ा है लाइफ टाइम का, तो कोई वैसा टेंशन भी नहीं है मुझे, तो गाने में कोई दिक्कत नहीं हुई, तो मैंने कहा डेफिनेटली गाऊंगा, तो ये गाना उन्होंने उसके लिए मुझे चुना। आई फील रियली ऑनर्ड कि इनके जो है, इनकी दोस्ती सभी सिंगर से है, लेकिन इनको कहीं ना कहीं लगा शायद मैं ये गाने को जस्टिस दे सकता हूँ, उस वजह से उन्होंने बुलाया, तो मैंने गाया और बहुत अच्छा फील हुआ। आपने सुना, मैंने अपनी तरफ से पूरी अच्छी कोशिश की है जितना मेरे कैलिबर में है, और बाकी लोग डिसाइड करेंगे जब सुनेंगे। तो सर काफ़ी एक अलग तरीके से और एक अलग अंदाज से गाने को प्रेजेंट किया गया, एक तरफ आप रैप कर रहे हो और एक तरफ आप सूफी अंदाज़ में गा रहे हो, तो क्या क्या डिटेलिंग करनी पड़ती है इस तरीके के गाने बनाने के लिए? देखिए बेसिकली क्या होता है कि हमने देखा है कि अमेलगमेशन जो हम कहते हैं, जो शब्द है इंग्लिश में, इसको अमेलगमेशन कहते हैं, तो हमने एक फ्यूजन की तरह क्रिएट किया है इसको, और ऐसा नहीं है कि नहीं हुआ है ऐसा, बट आर्या की सबसे बेस्ट बात मैंने ये देखी है, जो मैं आपको सबको कहना चाहूँगा, वो ये है कि इन्होंने खुद फुटेज लेने की कोशिश नहीं करी, सबको बराबर का क्रेडिट दिया है, और ऐसा ही होना चाहिए। एक गाना एक टीम वर्क होता है, ना कंपोज़र को पूरा क्रेडिट मिलना चाहिए, ना सिंगर को मिलना चाहिए, ना लिरिसिस्ट को मिलना चाहिए, सबको इकट्ठे अगर लेके हम चलें तो वो एक इन्होंने अपने एंटरटेनमेंट में एक अच्छी चीज़ की है, और वीडियो भी आपने देखा तो सबको इक्वल फुटेज मिला है, है ना, एक्ट्रेस जो हैं उन्होंने भी अच्छा, उनको भी फुटेज उनका मिला है, मुझे अपने हिस्से का मिला है, इनको मिला है, ऐसा नहीं कि मैं प्रोड्यूसर हूँ तो मैं ही नजर आऊँगा पूरा टाइम, ऐसा भी उन्होंने नहीं किया, बहुत अच्छी बात है इनकी। और कुछ उसके दौरान भी मेरे कॉस्ट्यूम की वजह से थोड़ा इनके साथ आर्ग्यूमेंट हो गया था, उन्होंने बोला मैं आपको राजा की तरह दिखाना चाहता हूँ, तो मैंने कहा भैया मेरे तो उस तरह का वैसे कोई है नहीं, बट उन्होंने कहा आप टेंशन मत लो, जब आप फाइनल वीडियो देखोगे आपको अच्छा लगेगा, तो जो इनका विश्वास था मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है, और थैंक्स टू यू, थैंक्स टू देम, थैंक्स टू एवरीबॉडी, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच। एक सेकंड, एक सेकंड सर, स्ट्रेट स्ट्रेट सर।